What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. तो आप लोग समझे क्योंकि आपका भाई आज फ्री ड्रेस पहन के घूम रहा है, नॉर्मल कपड़े पहन के घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं तो जाने वाले होंगे. तो उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ अभी का टाइम हुआ है 11:10 की देरी है. उसके पहले अपने को जाना है बाहर, थोड़ा काम वाम खत्म करना है एंड उसके बाद मेरी बहन आज जा रही है दुबई, तो उसको सी ऑफ करने जाना है. उसके बाद भी आके मुझे दूसरे काम है, तो आज के दिन में जितना भी हो सकता है उतने सारे काम खत्म कर देने हैं. उसका भी रीजन है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट उसके पहले अपना निकलते हैं घर से. एंड अभी मैं शायद तक मोटर ब्लॉगिंग नहीं करूंगा क्योंकि मैंने अपना गोप्रो जो है वो मैंने लगाया हुआ है चार्ज में. GoPro में चार्ज नहीं था एंड इसकी दोनों जो अलग से बैटरीज मैंने ली थी उसका भी चार्ज खत्म हो चुका है. बहुत टाइम से चार्ज नहीं किया था तो आज चार्ज में लगाया हुआ है. आज का पूरा दिन तीनों बैटरीज चार्ज कर लूंगा, उसके बाद अपने हो जाएंगे फ्री. बट उसके पहले अपने को कहाँ जाना है, किस लिए जाना, वो चलते हैं अपने. एंड अभी अपना बाइक नहीं निकल रहे, अपने निकल रहे एक्टिवा, तो एक्टिवा लेके निकलते हैं एंड आप लोगों को मिलता हूँ डायरेक्टली नीचे जाके. सो फाइनली अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, धनों की चाबी अपन ने ले ली है एंड अभी कहाँ जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ वो सब बताता हूँ. बट उसके पहले आप लोगों को कुछ दिखाना है. ये है मेरी वॉच एंड ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, बट आज अपने को कैसे भी करके टाइम निकालना है. तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ. अभी मेरे को दो चीज़ें मेनली ख़त्म करनी है, दोनों चीज़ ख़त्म करता हूँ एंड उसके बाद वापस घर आना है, बहन को सी ऑफ करना है. एंड हियर इज़ अवर धन्नो, इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट. यस, तो हो चुकी है स्टार्ट एंड अभी इसको लेके निकलते हैं अपने. कहाँ कहाँ जा रहा हूँ वो सब बताऊँगा एंड पहले अपने निकलते हैं घर से. सो फाइनली अभी मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पे पहुँचना था. दिस इज़ द प्लेस, द गैजेट गैलरी. यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को. सो फाइनली अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एंड भैया को मैंने फ़ोन दे दिया हुआ है, वो ठीक करेंगे एंड उसके बाद अपने को दे देंगे. कौन सा फ़ोन है क्या है वो बाद में बताऊँगा, बट अभी पहले अपने को निकलना है एंड दूसरे एक दो काम खत्म करने जाना है तो वो करते हैं एंड उसके बाद अपने को जाना है घर पे. तो लेट्स लीव. सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट अपनी धन्नो लेके एंड आज का दिन आपको पूरे दिन में धन्नो ही दिखने वाली है, बहुत दिनों से धन्नो चला ही नहीं है. एंड अभी मैं गाड़ी का करने वालों पीछा क्योंकि मोम और बहन दोनों उसमें हैं एंड मैं लेके निकला हूँ एक्टिवा. सो अभी अपने को चल लाइन के पीछे पीछे आराम से, अपने को कोई जल्दी नहीं है, भागा दौड़ी कुछ भी नहीं है एंड अभी अपने चलते हैं एंड बहन को करते हैं सी ऑफ. सो फाइनली अपने पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट एंड यहां से बस आगे से लेफ्ट लेना और एयरपोर्ट आ जाएगा और ये मेन एयरपोर्ट रोड ही है. तो अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे चल रहा है बहुत ज़्यादा ही काम एंड जोरों शोरों से चल रहा है, तो पता नहीं हमको कौन सी साइड से जाना रहेगा. बहन बोल रही थी टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 1 है इंटरनेशनल, टर्मिनल 2 है डोमेस्टिक. तो आई डोंट नो, जा रही है इंटरनेशनल और जाना है इसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, आई डोंट नो इसको भी क्या ही बोलेंगे. तो अभी चलते हैं गाड़ी का करते हैं अपना आराम आराम से पीछे, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग किया नहीं एंड अभी व्लॉग कर रहा हूँ. बाकी गाइस अभी अंदर चलते हैं एंड उसको करते हैं सी ऑफ. बाकी मम्मी को लेके निकलना है मेन, तो मैं इसीलिए आया हूँ. बहन को तो घर पे ऑलरेडी बाय बाय बोल दिया था. यहाँ पे तो सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़ा रहना बनता है, तो फिर मैंने सोचा भाई जाना ही क्यों. बट मम्मी ने ज़िद की कि भाई साहब चलना ही है अपने को एंड मस्त बड़ी सी सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू था, तो मज़ा आ गया देख के. एंड यस, चलते हैं एंड करते हैं इसको सी ऑफ और उसके बाद अपने को चलना है घर पे और 2-3 काम है, जो सारे काम साथ में ख़त्म करने हैं. सो फाइनली अभी बहन को ड्रॉप कर दिया एंड सी ऑफ भी कर दिया अच्छे से, टाइम अच्छा सा स्पेंड हो गया. मम्मी को वहाँ पे रुकना था तो इसकी वजह से थोड़ी देर रुके और उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं. एंड अभी मेरे को जाना है यश को मिलने के लिए एंड अभी ज़्यादा कुछ बात करने को नहीं है, तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो आप लोगों को डायरेक्टली मिलता हूँ थोड़े टाइम बाद यश को मिलने के बाद, क्योंकि मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा ही बैठ गया अभी. सो फाइनली काफ़ी टाइम बाद अपन पहुँचने को आ चुके हैं घर के पास. मैंने इस बार बैक वाला रोड ले लिया है तो जल्दी पहुँच जाऊँगा थोड़ा. एंड अभी
मेरे को मम्मी को ड्रॉप करके जाना है यश को मिलने के लिए। और यश को मिलने के लिए क्यों जाना है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, उसी के रिगार्डिंग मैं जाना है मेरे को उसको मिलने के लिए। एंड वो सारा ही आज मामला ख़त्म करना है वो भाई को, तो उसी के लिए मैं उसको बोलने जा रहा हूँ, गाइड करने जा रहा हूँ। एंड उसके बाद मुझे जाना अपना वॉच कलेक्ट करने के लिए। वॉच का सीन ऐसा है कि आपको पता ही है कुछ टाइम पहले मेरी बहन यूएसए गई थी, एंड उसने मेरे को वॉच पसंद है तो मैंने उसको बोला था ये वाली वॉच अगर मिल जाए तो मेरे को भेज देना, तो उसने वो वाली वॉच मेरे लिए भेज दी। एंड उसके बाद यहाँ पे आई तो उसमें डब्बा टूट गया था, एंड साथ में ज़्यादा फेंका वेका होगा तो उसकी वजह से उसमें से डायल में से जीरो भी निकल चुका, और इस बात को 10-12 दिन हो गए थे तो मैंने पहनी नहीं थी वॉच। एंड उसकी वजह से फिर मैंने रिपेयर का भी टाइम नहीं मिला था, आपको पता ही क्या चल रहा था उसकी वजह से। एंड उसके बाद अभी मेरे को फाइनली टाइम मिला तो मैंने करवा दिया है, एंड आज शाम को अपने को होपफुली वॉच मिल जाएगी। सो फाइनली गाइस, अभी काम सारा था वो ख़त्म हो चुका है। चलो बाय बाय, मिलते हैं अपने बहुत जल्द, जल्दी जल्दी, ठीक है। और आज के बाद बाइक किसी को नहीं देना, नहीं देना, ठीक है। तो गाइस मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, एंड यहाँ से निकलने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ। अभी टाइम हुआ है शाम के अप्रोक्सीमेटली 6:30, एंड मैं जा रहा हूँ अभी अपना एक काम ख़त्म करने के लिए। एंड यश को मिल लिया, सारी चीज़ें हो गई क्लियर, एंड होपफुली अभी उसको दिक्कत नहीं आएगी। एंड मैंने उसको जैसा बोला वैसा उसने किया भी है। लेट सी कि अभी और कितना टाइम वो भाई को झेलना पड़ेगा। देखा गाइस, गलती किसी की, प्रॉब्लम किसी का, एंड फेस कोई और ही कर रहा है। बाइक की गलती सिर्फ इतनी थी कि बाइक ने भरोसा करके किसी को बाइक दिया, एंड उसी चीज़ में दिक्कत आ गई। एंड मेरी वॉच की स्टोरी बताता हूँ अभी आप लोगों को पूरी, क्योंकि अपने पास अभी टाइम है। एंड उसकी वजह से तो कुछ टाइम पहले मेरी बहन गई थी यूएसए, तब मैंने उसको अपना हार्ड सी मनी दिया था और बोला था मेरे को ये वाली वॉच चाहिए, अगर मिल जाए तो ले लेना, मेरे को भेज देना। तो उसने बोला ठीक है, उसको ये वो वाली वॉच मिल गई, एंड उसने लकीली मेरे को भेज भी दी वाया कुरियर इन फ्लाइट। बट सीन ये हुआ कि वो अहमदाबाद आई, अहमदाबाद आने के बाद मैं उसको कलेक्ट करने गया, कलेक्ट करके मैं घर पे वापस आया तो मैंने उसका अनबॉक्सिंग अनबॉक्सिंग कुछ भी नहीं किया। एंड मैं जैसे ही देखा तो बॉक्स का ऊपर का पार्ट था वो टूट गया था, एंड होपफुली उसमें अंदर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दीदी ने पैकिंग अच्छे से किया था, सिर्फ डब्बा टूटा था एंड ज़्यादा फेंका वेंका था। तो जो डबल डिजिट के जो नंबर थे उसमें से 10 नंबर जो था वो 10 का 0 निकल गया था, तो उसी की वजह से वो चिपकाना था। एंड पता नहीं क्या था कि उसकी बैटरी भी नहीं चल रही थी, तो बैटरी के लिए भी करवाना पड़ेगा। तो बैटरी मैंने अच्छे से चेंज करवाने के लिए दिया और वो भी स्टिक करने के लिए दी थी। और एक चीज़ थी कि उन लोगों ने ज़्यादा फेंका वेंका था तो क्या था कि उसका गम निकल गया था एक जगह से, तो मैंने गम भी अच्छे से करवा दिया। बाकी वॉच इज़ ऑल गुड टू सेट एंड वेयर, तो अभी वही चीज़ करनी है। एंड अभी चलना है अपने को वॉच कलेक्ट करने के लिए, देखते हैं उसका कितना बिल हुआ है, एंड पहन के भी दिखाऊंगा आप लोगों को। बाकी अभी अपने चलते हैं, एंड आप लोगों को मिलता हूँ डायरेक्टली शोरूम पे जाके, क्योंकि अभी ज़्यादा व्लॉग नहीं करना एंड मेरी आवाज़ हद से ज़्यादा बैठ रही है, आई डोंट नो क्यू। तो यस, लेट्स लीव एंड चलते हैं अपने वहाँ पे, एंड उसके बाद अपना व्लॉग कर देते हैं ख़त्म, क्योंकि आज मेरी बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा बोलने बोलने। तो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ द गैजेट गैलरी वापस अपना फ़ोन लेने के लिए, एंड चलते हैं अंदर। फ़ोन तो मिला नहीं, बट अभी अपने को चलना है वॉच लेने के लिए, एंड यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है तो सबसे पहले लेने के लिए चलते अपने वॉच, एंड देखते हैं कैसी रिपेयर हुई है, क्या बिलिंग हुआ है, क्या नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग। और भाई साहब ये रॉन्ग में जो है मैं पकड़ पकड़ के मारने वाला हूँ इसको। एंड भाई साहब देखते देखते फ्यूल स्टेशन भी आ गया, बहुत टाइम से अपने फ्यूल डलवाने भी नहीं गए, तो फ्यूल वाले भी भैया याद कर रहे होंगे। बट भैया अभी आपको मैं डायरेक्टली मिलूंगा मंथ एंड पे, उसके पहले नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरी एक्टिवा में भी पेट्रोल अच्छा खासा है, बट आज ज़्यादा ही यूज़ हो गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा भाई घुमा हूँ इसको लेके। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड आज अपने पास अपना थर्ड व्हीकल का भी ऑप्शन आ चुका है, क्या है कैसे वो सब कुछ बताऊंगा, बट पहले चलते हैं एंड कलेक्ट करते हैं अपनी वॉच। सो फाइनली अपन निकल रहे हैं एंड अपनी
खूबसूरत सी घड़ी हो चुकी है प्रॉपर। एंड अभी ये प्रोफेशनल वॉच है तो अपना अच्छा खासा हो जाएगा सब कुछ। एंड अभी मेरे को वापस जाना पड़ेगा काम के लिए। भाई साहब क्या ही बोले, काम ही ख़त्म नहीं होते ज़िंदगी में। चलते हैं एंड आज का अपना आखिरी काम ख़त्म करते हैं एंड फिर घर पे चलते हैं। घर पे जाके आज मैं व्लॉग एडिट करके जल्दी सो जाऊंगा एंड लेट्स सी कितने बजे है। रोज़ 2 बजे ज़्यादा है, थोड़ा जल्दी हो जाए तो अच्छा है। सो फाइनली गाइज अभी अपन ने निकल रहे हैं यहाँ से एंड आज का दिन अपना रहा बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक एंड सारे काम ख़त्म हो गए। एंड आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आया तो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराना हो तो आप लोगों को पता ही करना है क्या। बाकी गाइज आप लोगों को मिलूंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, स्टे फिट, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग। साइनिंग ऑफ दिशांत। और गाइज यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।